एकेटीयू ऑनलाइन एग्जाम्स, एकेटीयू ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है आज की। और दोस्तों एकेटीयू ने सेशनल प्रैक्टिकल मार्क्स को लेकर जो है एक ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है। उसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम्स की मांग पर शिक्षा मंत्री के सचिव ने छात्रों से की गाली गलौज। जी हाँ दोस्तों, की बदतमीजी। मैं वो दिखाऊंगा कि शिक्षा मंत्री के जो सचिव थे वहाँ पे छात्रों ने ऑनलाइन एग्जाम्स को लेकर मांग किया, तो वहाँ पे उनसे कैसे बदतमीजी से बात बात की, तो उन्होंने क्या किया, छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी दिया। मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ। उसके अलावा एकेटीयू के प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स को लेकर इंपॉर्टेंट डे जो है नोटिफिकेशन आया एकेटीयू का। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है आज की पूरी अपडेट। देखिए दोस्तों, ये हैं शिक्षा मंत्री के सचिव जो कि छात्रों से बदतमीजी से बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसके पहले आप जो नोटिस देख लीजिए, फिर आपको आगे बताता हूँ मैं। गाइस देख सकते हैं एकेटीयू का ऑफिशियल सर्कुलर है, आज का नोटिस है एकेटीयू का। इसका क्या मेंशन है, विषय सत्र 2020-21 के, सॉरी 21-22 के, यहाँ पे मेंशन है कि 2021 दिसंबर 2021 जो भी दिनांक 17 जनवरी जो 2022 तक एग्जाम्स होने वाली परीक्षाओं के 8 सेमेस्टर के, चाहे यूजी पीजी रेगुलर तथा कैरियर के विषयों की जो परीक्षाएं हो रही है उसके सेशनल मार्क्स के अपलोड किए जाने संबंधी। दोस्तों सेशनल जो मार्क्स है उसको अपलोड किए जाने संबंध में ये सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें आगे क्या मेंशन है, बस मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें मेंशन है कि 17 जनवरी से जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है उसमें पहले जो है अपलोड करने को लेकर सूचित किया गया था सेशनल और प्रैक्टिकल मार्क्स का। लेकिन अब इसमें क्या मेंशन है, यहाँ पे दिया गया है कि सेशनल अंकों के अपलोड किए जाने की तिथि को 30 जनवरी तक दोबारा बढ़ा दिया गया है। जो पहले डेट थी अब उसको दोस्तों दोबारा बढ़ा दिया गया है। और यह भी अवगत कराना है कि सेशनल अंकों एवं प्रयोगात्मक यानी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हुए हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट हुए, देखो यहाँ पे मेंशन है कि सेशनल अंकों एवं जो है प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट परीक्षा के प्राप्तांकों को कि हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी स्पायरल बाइंडिंग कराकर दस्ताक्षरी की कार्यालय में 5/2/2022 यानी 5 फरवरी 2022 तक जो है प्रत्येक दशम में उपलब्ध करा। अब देखो मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना मैं आपको ये नोटिस नहीं बताता। क्योंकि दोस्तों कई सारे छात्र मेरे पास बाद में कॉल करते हैं, परेशान होते हैं कि सर मेरा जो है प्रैक्टिकल में एबसेंट है या फिर प्रैक्टिकल में मुझे फेल कर दिया गया। तो इसलिए आप लोग अपने कॉलेज में अपने क्लास टीचर्स अपने मॉनिटर जो भी हो उनसे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए कि सर मेरा प्रैक्टिकल मार्क्स चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। वरना अगर आपका प्रैक्टिकल किसी एक सब्जेक्ट का भी नहीं चढ़ा ना, तो फिर आप समझो कि एक साल आपका बर्बाद हो जाएगा, एक साल बेकार हो जाएगा, कोई नहीं सही कर पाएगा बाद में। क्योंकि अगर यहाँ से ये लोग भेज देते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स और आपका एबसेंट चढ़ गया किसी एक सब्जेक्ट में, तो फिर समझिए कि एकेटीयू भी सही नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो वायर स्पायरल बाइंडिंग जो हार्ड कॉपी होती है वही जब सब कुछ मान्य होती है। तो इसलिए एक बार जरूर कॉलेज में क्वेश्चन कंफर्म कर लीजिए। वैसे तो बहुत 100 में कई 1000 में 1 ही 2 छात्र के साथ इशू होता है, ज़्यादा नहीं होता है, जैसे 1 से 2% के साथ इशू होता है, बट क्या पता आप ही हूँ। तो इसलिए एक बार कंफर्म करिए। अब बता दें क्या है ऑनलाइन एग्जाम्स की अपडेट, चलिए करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है एकेटीयू स्टूडेंट यूनियन, ये जो छात्र संघ का जो अकाउंट है, इन्होंने क्या लिख रहे हैं कि आइदर पोस्टपोन और कैंसिल ऑफलाइन एग्जाम सेम स्टूडेंट लाइव। कहने का मतलब या तो एग्जाम पोस्टपोन करो या फिर कैंसिल करो, ऑफलाइन एग्जाम में छात्रों की जो है लाइफ को खतरा है। उसके अलावा स्टूडेंट और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो पोल किया था, क्या पोल किया था कि एकेटीयू फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं किस मोड में होनी चाहिए, यानी आप क्या चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। तो इसमें 17% जो ऐसे छात्र जिन्होंने ऑफलाइन किया, बट 83% छात्रों ने ऑनलाइन एग्जाम्स का जो है सपोर्ट किया। तो आप क्या चाहते हैं आप भी जरूर कमेंट करना, ऑफलाइन या ऑनलाइन। उसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए, ये हैं शिक्षा मंत्री के सचिव क्या कह रहे हैं कि एक दूं का खींच के साले तुझको, हमीदिया कॉलेज के छात्र थे, ऑनलाइन परीक्षा को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री के बंगले पर उन्होंने ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन ज्ञापन तो लिया नहीं, पर शिक्षा मंत्री के जो है शिक्षा मंत्री ने किस तरीके से बदतमीजी से बात की, आप ये पूरा वीडियो देखिए फिर मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले आप जो पूरा वीडियो देखिए फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। गेट पर टाइम लिखा हुआ है, गेट पर टाइम लिखा हुआ, मिलने का समय नहीं है अभी, है ना? तो मंत्री जी से मिलने का समय नहीं है, तो फिर हमें 1 घंटे बैठा के क्यों रखा अभी आपने बताइए? आप बैठा हुआ आपकी, आपने काम बताया नहीं, उनने ढापा बिठाया। ज्यादा मत बात, सर 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 बात कमी से ही कर रहे हैं, यूं से कर रहे हैं, नहीं तो वो 1 घंटे गलत बात भी वही सर। आप ये तरीके से बात नहीं करेंगे कि चाटा दूंगा, ये करूंगा, झूठ बोला आधे घंटे से। चुप रहो, अब आप एक बात बताइए, आप मेरी बात सुनिए, आप लगा लीजिए फोन, उससे हमें दिक्कत नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है। मंत्री बाहर आओ, छात्र तो की बात करो, अरे शिक्षा मंत्री बाहर आओ, छात्र तो की बात करो, अरे शिक्षा मंत्री बाहर आओ,
छात्र जो की बात करो, ऑनलाइन एग्जाम कराना होगा, ऑनलाइन एग्जाम कराना होगा। तो गाइस जैसे कि आपने वीडियो देखा, अब उसके अलावा एक वीडियो और देखिए, वहाँ पे वो उन्होंने छात्रों को क्या कहा कि साले अभी दूंगा खींच के तमीज से बात कर। बहरहाल ये बात करने की मर्यादा नहीं थी, इन्होंने सीमा को पार किया है। लेकिन देखिए एक और, जहाँ तक एकेटीयू कहता है, एकेटीयू बोलता है कि हमारे कॉलेज में जो है प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है कोविड का। अब ये देखिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं है, इस तरीके से छात्र एग्जाम दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कॉलेज का नाम भी लिखा है, आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पे अभी लिखा है बोर्ड पे, यहाँ पे देख सकते हैं IPS कॉलेज का है। तो ये समझिए यहाँ पे प्रोटोकॉल क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, तो सिर्फ नाम का दिखावा का प्रोटोकॉल है। इसमें कोविड क्यों नहीं फैलेगा, आप भी बताइए किस तरीके का एगेटिव दावा करता है प्रोटोकॉल एग्जाम लेने का। बहरहाल एगेटिव हो या फिर यूपी कोई यूनिवर्सिटी हो, अगर इस तरीके से एग्जाम होता है तो छात्रों की जान को जोखिम में डालना है। बहरहाल आपकी क्या राय है कि एग्जाम्स कैसा होना चाहिए, और इस तरीके से बदतमीजी से अगर छात्रों के साथ पेश आएंगे जो कि छात्र देश का भविष्य होता है, तो फिर आगे उनका क्या होगा। ऐसे सचिव ऐसे मंत्री को ज़रूर हटाना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये है प्रोटोकॉल।